बुधनी विधानसभा सीट में भाजपा ने जनसभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार को गति देने का प्रयास किया, तो वहीं कांग्रेस ने जनसंपर्क करके जीत की नींव रखने का प्रयास किया है। भाजपा की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने 15 जनसभाएं की, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सभी बड़े नेताओं ने मिलकर 7 सभाएं की है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास जनसभा के लिए कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए वो सभाएं नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की भरमार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती पूरे दमखम के साथ, पूरे समन्वय के साथ लड़ती। उपचुनाव में भी संगठन क्षमता के साथ हमारे संगठन ने, चाहे वो सभाएं हो, चाहे वो रैली हो, चाहे रोड शो हो, या नुक्कड़ बैठकें हो, नुक्कड़ कार्यक्रम हो, या जिस प्रकार से संगठनात्मक बैठकें हो सकती, वो हर क्रम पर एक के बाद एक चीजों को व्यवस्थित करते हुए चुनाव को पूरी ताकत और रणनीति के साथ जीतने की तरफ हमने आगे बढ़ाया है कदम। और ये आप मानकर चलिएगा, जब परिणाम आएंगे तो इन दोनों विधानसभाओं पर ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। कांग्रेस पार्टी सभाएं करने लायक बची नहीं है, क्योंकि जब सभाओं में उनके कार्यकर्ता जनता को ला नहीं पाएंगे तो फ्लॉप शो ही होगा ना।